बुक होने वाली है, हर लास्ट विश बाय अजय के पांडे, अ रोमांस नॉवल विथ लिटिल ट्रेजेडी इन द एंड, जो इन ऑथर की खासियत है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है विजय और आस्था की, जो एकदम टोटली अपोजिट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जो साथ में आते हैं अरेंज मैरिज के थ्रू। विजय एक इंट्रोवर्ट शाई टाइप लड़का होता है, जो अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से 5 बार यूपीएससी में अटेम्प्ट करता है और फेल होता है, और इसकी वजह से उसने अपने लाइफ का सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा गवा दिया होता है, और 5 बार फेल होने के बाद वो क्विट कर देता है और अपने मॉम का रेफरेंस से वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर लेता है, और उसके बाद एट एज ऑफ 30 हो चुकी होती है, इसलिए उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़की देखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ऐसे शाय इंट्रोवर्ट अंडर कॉन्फिडेंट लड़के के लिए कोई भी लड़की हाँ नहीं। उस 15 लड़कियों से ना सुनने के बाद वो आस्था से मिलता है। आस्था उसके लाइफ में एक आशा की किरण बन के आती है, अ होप, और वो पहले उसको ना बोलती है, पर बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसके वजह से वो शादी के लिए हाँ बोल देती है और इनकी शादी हो जाती है। आस्था विजय को बहुत प्यार करती है। विजय विश्वास नहीं कर पाता कि मेरे लाइफ में एक आस्था जैसी लड़की है, जो एक्स्ट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट स्टाइलिश एकदम मॉडल टाइप लड़की है, एंड वो उसे बहुत प्यार करता है। उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है जब तक विजय को पता चलता है कि आस्था HIV पॉजिटिव है। विजय की लाइफ पूरी हिल जाती है जब उसको ये पता चलता है, एंड वो पता चलने के बाद वो आस्था को कैसे हैंडल करता है, वो उसकी पूरी केयर करता है, उसको एक हैप्पी लाइफ देने की कोशिश करता है विदाउट उसको बताए कि वो HIV पॉजिटिव है, क्योंकि वो बैर नहीं कर पाएगी उतना ये, और वो हैप्पी पर्सन रह नहीं पाएगी वो जानने के बाद, ऐसा उसको लगता है। सो ये सब उसके साथ उससे छुपा के वो उसको कैसे उसकी कैसे केयर करता है, और उसने उसके डायरी से उसकी उसकी विशेस देखी होती है, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विशेस होती है, जो वो स्टार्टिंग में बोलता भी है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि मैं ये कैसे पूरी करूँगा, पर वो क्या क्या होता है उसके लाइफ में और वो 7 विशेस पूरी करता है, और क्या उसकी लास्ट विश होती है ये इस बुक में। सो आपको वो जानना है क्या आस्था की लास्ट विश है और वो उसको कैसे पूरी करता है। सो आप ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। इंडियन रोमांस में ये बुक आती है और ये क्यूट बुक है, मुझे पसंद आई बुक। और आस्था की वजह से विजय जो एक शाय और इंट्रोवर्ट लड़का होता है वो कैसे कॉन्फिडेंट बनता है ये इस बुक में है। स्टोरी बहुत अच्छी है और बिगनर फ्रेंडली है एज ऑलवेज। दैट्स इट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और विजय और आस्था की कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।